ये क्या इतनी बहादुरी से फैसला किया है, तब रोना कैसा? दिल पे पत्थर रख के फैसला किया है मैंने। क्या करूं रोसाना, माँ हूं ना, औलाद के दूर जाने के ख्याल से ही जान निकली जा रही है मैं। उनके जाने से कितना सन्नाटा हो गया है ना आंटी, मुझे तो वहशत सी होने लगी है। वैसे क्यों ना हम फुप्पो को अपने पास बुला लें? नहीं नहीं मैं कैसे आ सकती हूँ, मिकाल ने अभी तो घर सेट किया है। तो क्या हुआ, घर खरीदा थोड़ी है तुमने, किराए पे तो लिया है ना, तो बस आ जाओ। बिल्कुल सही कह रही है आफरीन, तुम यहाँ आ जाओगी तो मुझे बड़ा सहारा मिलेगा और शायद ध्यान भी मेरा बढ़ जाए। लेकिन भाभी मिकाल कभी भी नहीं मानेगा। उससे बात कर लूंगी ना। अच्छा नमाज का वक्त हो गया, पढ़ लूं वरना। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, कहाँ हैं आप? कॉलेज के बिल्कुल सामने हूँ, वैन के पीछे ये देखो। ये क्या हालत बनाई हुई है, बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रहे, बालों को क्या किया? तुम मेरी हालत को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अपनी सास की तरफ जाना है या फिर नीनू के घर चलना। मैं मारिया को ऑलरेडी बता चुकी थी कि मैं नीनू के घर जाऊंगी, इसलिए तो आज उसने ऑफ कर लिया। ठीक है, लेकिन तुम्हारी सास वो तो कोई इशू क्रिएट नहीं करेंगे। भाई आई थिंक वो इस्लामाबाद गई हुई है अपने किसी सेमिनार के लिए। ठीक है, अब तुम ऐसे ही खड़े खड़े मुझे देखती रहोगी तो मेरे हुलिये पर अफसोस ही होगा। बैठो बैठो, फिर नीनू की तरफ चलना है, लंच पे इंतजार कर रही होगी। दस बज रहे हैं, अभी तक अबरार घर क्यों नहीं आया है? मेरी तो वकार से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि वो दिन में निकल गया था। यकीनन नेहा की तरफ गया होगा, वैसे आजकल डेली लेट आ रहा है ना। हाँ वो आजकल देर से ही आता है और आते ही सो जाता है, मुझसे कोई बात नहीं करता वो। जबरदस्ती मैं उससे बात करूं तो बस मुंह हाँ में मुझे जवाब देता है। वो तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता महानूर, बीवी हो तुम उसकी, और जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा क्या लेना देना था? वो नहीं समझता ये बात, या शायद वो समझना ही नहीं चाहता। खामोशी आ गई हम दोनों के बीच, ऐसे जैसे कहने सुनने को कुछ बाकी ना बचाओ। कहाँ हो तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नहीं मत करो मेरा इंतजार। यही बताने के लिए फोन किया था तुम्हें कि आज मैं नीनू के घर पर रुकूंगा, मिशा भी आई हुई है, रात रुकना। हेलो, सुन रही हो मेरी बात?